हस्बैंड विकी कौशल के सपोर्ट में आई है कैटरीना कैफ। आखिर किस बात को लेकर, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को बता दें कि कैटरीना कैफ ने हस्बैंड विकी कौशल के लिए फ्लाइंग किस दी है, लेकिन किस बात पर? हम सभी जानते हैं कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक कई बार ऐसा हुआ, कई सारे अवार्ड फंक्शन को पोस्टपोन किया गया, लेकिन फिल्मों की रिलीज रुकी नहीं। OTT एक ऐसा जरिया बन गया है जिसके जरिए बॉक्स ऑफिस पर ना सही लेकिन फिल्में आती जरूर है। इस वक्त आपको बता दें कि सरदार उधम सिंह, जिसमें की विकी कौशल नजर आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। फ्रीडम फाइटर सरदार उधम सिंह की लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म थी और इसमें असैसिनेटेड थे माइकल ओ ज्वायर, जिसमें कि आपको बता दें कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट पर ये पूरी की पूरी कहीं ना कहीं फिल्म जो है वो बेस्ड थी। अब विकी कौशल की इस फिल्म के लिए काफी तारीफ हुई। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल एकेडमी यानी कि आईफा 2022 ने टेक्निकल अवार्ड्स जो है वो रखे, जिस दौरान ज्यादा से ज्यादा अवार्ड्स विकी कौशल के खाते में आए, विकी कौशल की टीम के खाते में आए। जी हाँ, यानी कि सरदार उधम सिंह को अच्छा खासा रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर मिला है, क्रिटिकली काफी अक्लेम हुई है ये फिल्म। ऐसे में आपको बता दें कि टेक्निकल अवार्ड्स हुए ट्यूजडे को, जहां पर वाइफ कैटरीना कैफ ने काफी प्यार बरसाया है इंस्टाग्राम के जरिए अपने हस्बैंड पर। कैटरीना, जिन्होंने विकी के साथ दिसंबर 2021 में शादी की, इस आर्टिकल को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है, लॉट्स ऑफ लव विकी कौशल @IFA। इस आर्टिकल में मेंशन है, आईफा 2022 टेक्निकल अवार्ड विनर्स रिवील्ड, विकी कौशल सरदार उधम सिंह विंस बिग। जी हाँ, यानी कि कई सारे अवार्ड्स जो है वो इस फिल्म ने अपने नाम किए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे रिएक्शंस हैं जो सामने आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस फिल्म सरदार उधम सिंह। आपको बता दें कि विकी ने भी इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए लव बैक सेंड किया है और उन्होंने भी स्टोरी पोस्ट की है। बल्कि क्या कुछ आपको है कहना विक्ट्रीना के इस मोमेंट पर, बताइएगा जरूर। जोड़ी हिटे हिटे थोड़ा सा।